दोस्तों आज 1 जुलाई से 1% TDS कटना स्टार्ट हो जाएगा आपके क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और ट्रेड पर। जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है लाइक वजीरेक्स, कॉइनस्विच ऐप, बिटबीएनएस, सन क्रिप्टो, सभी ने इसे इंप्लीमेंट कर दिया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर गवर्नमेंट ने वैसे तो 1% TDS लगाया है, बट आपकी गलती की वजह से आपको 2 या 3% TDS भी पे करना पड़ सकता है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से कोई भी क्रिप्टो ट्रेड या ट्रांजैक्शन करने पर आपको 1% TDS देना होगा। एक्सचेंजेस को ये TDS आगे ट्रांसफ़र करना होगा इंडियन गवर्नमेंट को। वैसे तो गवर्नमेंट ने 1% TDS कट करने के लिए कहा है एक्सचेंजेस को। जब भी आप कोई क्रिप्टो सेल करोगे, बाय करने पर कोई TDS नहीं कटेगा, बट आज से आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3% तक TDS देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे। जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है लाइक वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कॉइन डीसीएक्स, सन क्रिप्टो, सभी में आपको INR, USDT, BTC जैसे पेयर देखने को मिलेंगे। लाइक BNB का जो टोकन है उसे हम अपनी करेंसी INR में भी बाय कर सकते हैं, USDT के थ्रू भी बाय कर सकते हैं और वजीरेक्स कॉइन के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट केस देखते हैं दोस्तों, जहां आपका 1% TDS कटेगा। लाइक अगर आप INR के थ्रू BNB कोई बाय करते हो तो जैसा कि हम जानते हैं बाय करने पर कोई TDS नहीं कटेगा, बट जब आप अपना BNB कॉइन सेल करोगे तब आपका 1% TDS कट होगा। मान लो आपने 10,000 का BNB सेल किया, तब आपका 1% TDS हुआ 100 रुपये, आपको तब मिलेंगे 9,900 रुपये। ये था दोस्तों 1% TDS कट होने वाला केस। अब बात करते हैं 2% TDS आपको कब देना होगा। अगर आप INR से वजीरेक्स कॉइन बाय करते हैं और उसके बाद वजीरेक्स से अपने BNB कॉइन को बाय कर लिया है, ध्यान से देखिए, मैंने 2 बार बाय किया है, अभी तक सेल कुछ भी नहीं किया है, बट अब आप BNB कॉइन को सेल करते हैं जिसे आपने वजीरेक्स कॉइन के थ्रू बाय किया था, तब आपका 1% TDS कट होगा। उसके बाद आपने वजीरेक्स को भी सेल किया, तब फिर से आपका 1% TDS कट होगा। टोटल 2 बार आपने सेल किया है तो आपको भी 2 बार 1-1% TDS देना होगा। टोटल TDS आपका 2% कटेगा। अब बात करते हैं 3% TDS आपको कब देना होगा। अगर आप INR से USDT बाय कर लेते हैं तब आपके पास USDT कॉइन आ जाएंगे, बट आपने USDT से वजीरेक्स कॉइन को बाय कर लिया। फर्स्ट 2 केस में क्या था दोस्तों, सेल करने पर TDS कट हो रहा था, बट अगर आप USDT के थ्रू किसी भी क्रिप्टो को बाय करोगे तब गवर्नमेंट ने कहा है कि बाय करने पर भी आपको 1% TDS देना होगा। यानी कि आपने USDT से वजीरेक्स कॉइन को बाय किया तब आपका 1% TDS कटेगा। उसके बाद आप अपने वजीरेक्स कॉइन को सेल करोगे तब आपका 1% TDS कट होगा, बट आपको फिर से USDT ही मिलेंगे क्योंकि आपने वजीरेक्स कॉइन को USDT के थ्रू ही बाय किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं USDT को हम विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल करने के लिए आपको USDT को INR में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको उसे फिर से सेल करना पड़ेगा, तब फिर से आपका 1% TDS कट होगा। टोटल आपका 3% TDS कट होगा इस केस में, अगर आप इस तरह से क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो तो TDS में ही चला जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप डोमेस्टिक एक्सचेंजेस का यूज़ करते हो क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप INR के थ्रू ही किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड करें। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों कोई TDS कट नहीं होगा, इसलिए आप फ्यूचर ट्रेडिंग में भी ट्रेड कर सकते हो, बट फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, जिससे दूर रहने में ही फ़ायदा है। लास्ट में हम बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकल कर आया है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड लास्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।